हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कुमार गौरव, आज मैं आपके सामने फिर से ट्रिगोनोमेट्री के कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपके बुक में जो दिया हुआ है। और इससे पहले हम लोगों ने देखा कि सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद, और ये चार्ट मैंने पिछले टाइम बताया था आपको पूरा का पूरा एक अच्छे ट्रिक के साथ, मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आया होगा। और उसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने कर लिया था। एक क्वेश्चन दोस्तों मैंने बताया था, बट उसमें एक कॉन्सेप्ट मुझे बताना था रेशनलाइजेशन का, तो अभी मैं उसको बता देता हूँ और शुरू करते हैं इसी के साथ आज के सेशन को। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है कि साइन 30 का वैल्यू हमें लिखना है। तो साइन 30 के वैल्यू हम लोग चले जाएंगे साइन पे 30 डिग्री यानी 1/2। उसके बाद प्लस में 45, टेन 45 हम लोग जानते हैं वन होता है, माइनस कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 आ जाइए आराम से 60, कॉसेक के पास 60, 2/3। ओके, यहाँ हम लोग लिख देंगे एक बड़ा सा डिविजन सेक 30। आइए सेक पे आते हैं, 30 पे आते हैं, तो 2/3 प्लस कॉस 60 यानी 1/2 और प्लस कॉट 45 यानी कि आ जाएगा 1। आइए दोस्तों, तो यहाँ पे इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 2/3 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 2/3। इसका डिविजन करेंगे 2 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3। √3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 से तो यहाँ आ जाएगा √3 + 1 है तो पूरा का पूरा आ जाएगा 2√3। माइनस √3 से डिवीजन करेंगे तो मेरे पास कितना बचेगा यहाँ पे दोस्तों 2। तो इस 2 का 2 से डिवीजन मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, बड़ा सा डिवीजन। फिर नीचे भी ऐसे हम दोस्तों 2√3 आ जाएगा। यहाँ देखते हैं √3 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4। देख रहे हैं दोस्तों, सिर्फ आसान सा कैलकुलेशन है। यहाँ 2 से डिवीजन करेंगे √3 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ √3 प्लस 1 है तो 2√3 यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा प्लस के साथ। तो ये तो एक आंसर आ जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या बचेगा √3 और 2√3, आसानी से उसको हम जोड़ सकते हैं 3 √3 - 4। नीचे आ जाएंगे क्या दोस्तों 2√3 और √3 यानी कि 3√3 + 4। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे यही मैं पिछले बार बताना भूल गया था कि रूट के नीचे बटा के नीचे, यानी कि जब भी हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि ये नोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में कोशिश करते हैं हमें को आंसर में कि हमारे पास रूट की संख्या रूट ना आए। तो अब इस रूट को हटाने के लिए हमारे पास सिंपल सा तरीका है, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, नीचे जो भी दिया हुआ है इसका जस्ट अपोजिट यानी माइनस साइन के साथ मल्टीप्लीकेशन कर देंगे दोनों तरफ ऊपर और नीचे भी। तो यहाँ आ जाएगा 3√3 - 4/3√3 - 4। ओके, अब देखिए दोस्तों 3√3 - 4, तो 3√3 - 4 यानी कि 3√3 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। नीचे आ जाएगा 3√3 + 4, 3√3 - 4, तो इसको हम ए स्क्वायर, एक फार्मूला आप जानते होंगे a + b (a - b) के फॉर्म पे इसको तोड़ देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा a² - b²। तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं, एक जगह पर 3√3 का स्क्वायर करेंगे 9 और √3 का 3 यानी 27 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16। ओके, तो यहाँ और ऊपर से हमें क्या मिलेगा दोस्तों, a - b का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 27 + 16 - 4 × 3 = 24 √3, और नीचे आ जाएगा 27 में से 16 जाएगा हमारे पास कितना बचेगा 11। आइए दोस्तों, तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे बचेगा 43। देखिए दोस्तों, यहाँ 43 - 24 √3/11, तो ये देखिए आपका आंसर आ गया यहाँ पे आसानी से। तो इसमें भी कुछ नहीं करना था दोस्तों, जो पिछली बार उन्होंने पढ़ा था, जो टेबल उन्होंने देखा था, बस उस टेबल से वहां से साइन थीटा कॉस थीटा जो भी यहाँ दिया हुआ है उसका एंगल पुट कर देना और आंसर निकाल देना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों। तो अब इसका ये क्वेश्चन हम लोग देख लिया, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सिर्फ वही प्रोसेस करना है, जितना भी हमें इसका वैल्यू दिया हुआ है इसको पुट करना है और इसका आंसर निकालना है। एक चीज का ख्याल रखना दोस्तों कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, सारा लगभग कॉस स्क्वायर के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में, तो जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग उसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो यहाँ क्या दिया है 5 cos 60 degree, cos 60 पे चलेंगे 1/2 इसका स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, प्लस 4 sec² 30 degree, sec पे चलते हैं, 30 पे चलते हैं, 2/√3 इसका स्क्वायर कर दें इंटू 4,
इधर आ जाएगा 1045 यानी कि 1 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर साइन 30 का स्क्वायर, तो साइन 30 होता है 1/2 यानी कि इसका स्क्वायर कर देंगे, और कॉस थीटा कॉस 30 स्क्वायर टू रूट 3/2 और इसका स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों इसका हम लोग थोड़ा खोल देते हैं स्क्वायर को, तो स्क्वायर करके तो 5 इंटू यहाँ में आ जाएगा 1/4 प्लस ये आ जाएगा 2×4 = 16 √3 − 1। यहाँ से हमें क्या मिलेगा दोस्तों 1/4 + 3/4 रूट 3 का करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन आप देख सकते हैं 4 कॉमन लेंगे 4 ऐसे है, और यहाँ 3 और 1 = 4 यहाँ बचेगा 1 यानी कि इसके जहाँ पे हम लोग 1 लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों तो ये तो बात ही खत्म हो गया, यहाँ देखते हैं 5/4 + 16/√3 − 1 इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आएगा यहाँ से एलसीएम लेंगे 4√3 यहाँ 4 से इसको डिवाइड करेंगे √3 बचेगा, तो यहाँ 5√3 और यहाँ आ जाएगा सॉरी मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, यहाँ दोस्तों जब मैंने √3 का स्क्वायर किया तो यहाँ हमारे पास 3 बचेगा। ओके तो माफ कीजिएगा थोड़ा, यहाँ भी 3 बचेगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, 3 से 5 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 15 प्लस 3 से इसको डिवाइड करेंगे 4 बचेगा, 4 से इसको 64 − 12 तो 15 में से 12 आ जाएगा 3 और यहाँ आपके पास बस यहाँ क्या है 64 + 3 = 67/12। तो देखा दोस्तों कितने आसानी से बस वैल्यू पुट करके हमें इसका आंसर निकाल लेना, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, आप इसको नोट कीजिए फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बस पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस यानी कि आपको अपना आंसर निकालना है और जो ऑप्शन दिया है इसमें से आपको जस्टिफाई करना है कि कौन सा सही होगा। तो चलिए देखते हैं सिंपल सा है, जो पहले हम लोग बनाया है सारा बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, सारा फॉर्मूला वही यूज होने वाला है, जितना हमने एंगल का वैल्यू निकाला था उसी वैल्यू को पुट करके यहाँ पे इसका आंसर निकालेंगे हम लोग। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमें बोला है 2 tan 30 upon 1 + tan² 1 + tan² 30 ओके। हम लोग क्या जानते हैं दोस्त tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan पे चलते हैं 30 पे 1/√3 यहाँ 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे क्या आ जाएगा 1 + tan 30 का वैल्यू 1/√3 या स्क्वायर है तो इसको बी स्क्वायर कर दें। अब यहाँ से क्या मिलेगा हमें 2/√3 upon 1 + 1/3 ओके। अब देखिए दोस्तों यहाँ से क्या आ जाएगा 2/√3 तो ऐसे ही रह जाएगा यहाँ पे ऊपर, नीचे हम क्या लिख सकते हैं 3 इससे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा एलसीएम लिखे तो ये 3 और 1 = 4/3 ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों 2/√3 × 3/4 2 से इसको दो मरतबा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 upon √3 बचेगा ओके। अब इसको मैंने बोला था कि डिनोमिनेटर में हमेशा रूट को नहीं देते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये √3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा सॉरी दोस्तों मैं कुछ गलत कर दिया, अच्छा मैं कुछ गलत कर दिया ओके। यहाँ दोस्तों हमारे पास क्या बचेगा 3 upon 2√3। अब देखिए दोस्तों √3 को क्या देख सकते हैं √3 × √3 upon 2 upon 2 × √3 तो ये √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा √3 upon 2। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो वैल्यू है ये इन चारों ऑप्शन में से किसके बराबर है, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों साइन 60 का वैल्यू सबसे पहला ऑप्शन अगर हम लोग चेक करें तो साइन 60 कितना आता है √3/2 और हमारे पास भी आया √3/2 यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका ये बी ऑप्शन सॉरी ए ऑप्शन को जस्टिफाई कर रहा है यानी कि साइन 60 = √3/2 यानी कि पहले का आंसर आपका साइन 60 आ जाएगा ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखिए दोस्तों क्या है इसमें सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है 1 + tan² θ / 1 − tan² θ तो 1 + tan θ 1045 पे कितना आता है 1 तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा सॉरी यहाँ वो माइनस है, यहाँ 1 प्लस करेंगे
1045 कितना आ जाएगा 1, तो ये भी स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा दोस्तों, और यहाँ 1, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा, 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो 0 ही देगा। अब इसमें से देखिए 0 कहाँ दिया हुआ है, 1090 का वैल्यू कितना होता है, 1090 का वैल्यू इन्फिनिटिव, ये 1 तो होगा ही नहीं, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो ये भी नहीं होगा, और डी में दिया बेटा यहाँ पे 0, यानी कि आपका 2 का आंसर यहाँ डी आ जाएगा, यानी कि ये आपको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको जस्टिफाई कर रहा है। चलिए दोस्तों, ये आप बहुत आसानी से समझ होंगे, अब आपके आपके लिए बच्चों का खेल हो चुका होगा, जिस तरह से हम लोग पिछले सेशन से क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं। आइए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारे पास, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, ये कब होगा, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, ये कब पॉसिबल है, यानी कि एक एक किस वैल्यू के लिए ये पॉसिबल है, तो हम लोग चेक करते हैं दोस्तों। अगर सबसे पहला ऑप्शन सही चले तो साइन 0 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 0 होता है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 होगा, यानी कि LHS बराबर 0 आ गया। अब RHS देखते हैं 2 साइन a, यहाँ पे भी a का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो साइन 0, ये भी 0, तो हम पहला ही ऑप्शन से यहाँ पे हम आंसर मिल गया, हम कह सकते हैं इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए देखते, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये टेबल आपको याद होने के बाद सारा क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी लग रहा होगा। अब इसके लास्ट इसमें इस पैटर्न पे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका दिया 2 tan 30 degree, यानी कि 2 tan 30 का वैल्यू हमको यहाँ से देख लेंगे 1/√3 अपॉन 1 minus tan square 30 degree, तो फिर से 10√30, तो 10√30 का वैल्यू 1/√3 इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर दिया है, तो अब देखते हैं 2/√3 यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 plus 1/√3 तो अब इसको हम क्या देख सकते हैं, 2/√3, ये इसका एलसीएम 3 लेंगे तो यहाँ 3 minus 2 यानी 2/√3 ऊपर जाएगा तो 2/3 ऊपर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 या 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 3/√3 लिख सकते हैं। अब इस वैल्यू को हम लोग 3 को क्या देख सकते हैं, √3 × √3/√3 ये कैंसिल, हमारे पास आया √3। अब इस 4 ऑप्शन में से हमें ये बताना है कि √3 इस किस में लाइक करता है, तो cos 60 तो 1/2 होता है, ये हो नहीं सकता। sin 60 की बात करें तो sin 60 √3/2 ये भी नहीं हो सकता है। tan 60 √3 यस, तो हमें यहाँ पे इसका भी आंसर मिल गया, ये सी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये आपको tan 60 के बराबर हो गए। तो देखा दोस्तों, इसमें बहुत ही आसानी से हम लोग इस टेबल के माध्यम से बहुत ही इजी में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, आप इसे नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, तो अब इस एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट पैटर्न क्वेश्चन दिया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इससे आपको जो पहले का जो एप्लीकेशन है वो तो होगा ही होगा, इसमें एक और अच्छा सा इक्वेशन भी बनेगा, वो भी मतलब बहुत इजी है इक्वेशन, आपने पहले भी पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन, उसको सॉल्व करने का इसमें एक ऑप्शन आता है, तो देखते हैं। देखिए दोस्तों क्या बोल रहे हैं, आपको बोला है tan a plus b is equal to root 3। अब देखिए दोस्तों, पहले तो हमारे पास एंगल दे देता था या फिर किसी एक एंगल पे बताता था कि tan a या tan b या sin cos, sin theta या cos theta कितना होगा। यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, tan a plus b is equal to root 3, ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा क्या है, tan के फंक्शन में, और यहाँ पे ये क्या है, नंबर है, तो हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों को इक्वेट करने का, इक्वेट करने का मतलब इस रूट 3 को भी 10 के फॉर्म में चाहेंगे लिखना। तो अब मुझे बताइए आप दोस्तों, मतलब ये टेबल आपके सामने है, यहाँ से रूट 3 10 के फॉर्म में कहाँ पे है, यानी कि 10 से चले हम लोग तो रूट 3 की वैल्यू देखें तो 1060, यानी कि 1060 को रूट 3 और रूट 3 को 1060 लिख सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये 1060 के बराबर है, तो 10 a + b = 10 60 degree, दैट इज a + b = 60, ये आपका इक्वेशन एक बन गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं हम लोग, दूसरा में क्या बोला है, tan a - b = 1/√3, इसमें भी सेम प्रोसेस करना है दोस्तों, इधर 10 का फंक्शन है, इधर भी कोशिश करेंगे 10 का फंक्शन आने के लिए, तो 1/√3 किस में होता है, 10 में, कितने डिग्री पे, तो 1/√3 यहाँ हम बोल सकते हैं कि 10 30 डिग्री पे होता है। ठीक, तो यहाँ से इम्प्लाई करेंगे इसको, तो a - b
स्क्वायर टू 30 डिग्री इक्वेशन वन और टू आ गया हमारे पास। तो ये सिंपल लीनियर इक्वेशन आ गया, ए प्लस बी स्क्वायर टू 60 डिग्री और ए माइनस बी स्क्वायर टू 30 डिग्री। तो ये आपने तो आसानी से पहले भी सॉल्व किया होगा, अब इस हमको यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन और टू से, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 30। ओके, यहाँ हमने कोई साइन चेंज नहीं किया, क्या करने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस प्लस करेंगे तो यहाँ से बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमें 2a की वैल्यू मिल जाएगी 90 डिग्री। तो a की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं 45। ओके, अब a की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में रख दीजिए, जैसे कि यहाँ लिखा है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो a तो 45 हो गया माइनस b बराबर 30 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ b माइनस में उसको प्लस में ले जाएंगे, 30 को ले जाएंगे, तो 45 माइनस 30 इज इक्वल टू बी, ये आ गया b बराबर हमें 15 डिग्री और a बराबर 45 डिग्री। तो देखा दोस्तों, ये थोड़ा सा ट्विस्ट किया था क्वेश्चन में और लेकिन बहुत इजी था, आप देख लीजिए, अब बस विद इन द सेकेंड आप इसको सॉल्व कर लिए होंगे, समझ गए होंगे, तो इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, तो वो चैप्टर हम लोग आसानी से उसको हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट चैप्टर में आपका एक ये टर्म आ रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, इसको हम लोग इंग्लिश में संपूरक कोण कहते हैं। ये कुछ नहीं होता दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि दो कोण को मिला के अगर वो 90 डिग्री कोण, यानी दो कोणों का सम 90 डिग्री बराबर है, तो वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे एक दूसरे को। जैसे कि यहाँ पे हम समझाते हैं आपको, एक इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग फॉर्म करते हैं, ए बी और सी, ये तो 90 डिग्री हो गया दोस्तों, और इसको मान लेते हैं थीटा। तो अगर ये थीटा हो गया तो यहाँ कितना एंगल बनेगा दोस्तों, अब इसको बताने के लिए मैं आपको सिंपल सा पहले त्रिभुज का एक बेसिक सा रूल बताता हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इन तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल बी तो अकेले 90 डिग्री है और एंगल ए हमारा क्या हो गया थीटा, और ये हो गया एंगल सी इक्वल टू 180। तो थीटा प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 यानी कि 90। तो एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा। इस त्रिभुज में ये आपका 90 डिग्री हो गया संपूरक कोण, ये आपका एंगल थीटा हो गया और ये हो गया 90 माइनस थीटा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि थीटा प्लस एंगल सी ये दोनों मिलकर कितना हुआ, 90 डिग्री। तो इसे ही हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसमें कि दो कोणों का योग, दो कोणों का सम हमेशा 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। और यहाँ आप इस त्रिभुज के माध्यम से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल थीटा और एंगल सी, यानी एंगल ए और एंगल सी, इसका सम हमें 90 डिग्री मिल रहा है। तो इस त्रिभुज में, इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको बनाने के लिए हमें पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उनका वैल्यू निकालना पड़ेगा, और उसमें कुछ फॉर्मूला आपको आएंगे उसको देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, अब मैं पहले इस एंगल की बात करता हूँ थीटा। ओके, यहां से अगर हमें साइन थीटा निकालना हो तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा तो इसके सामने यानी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बीसी, और हाइपोटेनस तो हमेशा एसी ही होगा एसी। ओके, कॉस थीटा निकालें तो कॉस थीटा निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्त, बेस और हाइपोटेनस, तो बेस हमारे पास क्या आ गया, ए बी अपॉन हाइपोटेनस यानी कि एसी। ओके, टेन थीटा निकालेंगे तो पी और बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, मैं बस तीन को यहाँ पे दिखा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे आपको जो भी रिलेशन मिलेंगे, ठीक है, उस रिलेशन से आपको आगे का क्वेश्चन, मतलब जो भी आइडेंटिटीज है टोटल वो आप निकाल लीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ इसमें रिलेशन कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, अब इस एंगल की बात हम लोग कर लिए थीटा की, अब बात करते हैं एंगल सी की यानी कि 90 माइनस थीटा। तो अगर हमें साइन 90 माइनस थीटा निकालना हो तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके सामने ये एंगल, ये बेस, ये जो हमारा है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा,
यानी कि ए बी, और हाइपोटेनस तो हमारे साथ ए सी रहेगा। कॉस 90 माइनस थीटा निकाल देता हूँ, 90 माइनस थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ये बेस यानी बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए बी, ए सी सॉरी। और अगर टेन निकाले, टेन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या निकल जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी बी सी ए बी अपॉन बी सी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको मिलेगा, और उसको बस याद रखना है हमेशा, और उसको उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, बी अपॉन सी यानी कि कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा इसका टू क्या है हमारे पास, बी अपॉन बी सी अपॉन ए सी, और साइन थीटा भी हमें कितना प्राप्त हुआ है, बी सी अपॉन ए सी, यानी कि हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, है ना। यानी कि इस इक्वेशन से यहाँ हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और एक फॉर्मूला भी है, आप इसको स्टार मार्क करके इसको नोट कर लेना। और सेम रिजल्ट मान ली इसका भी हम लोग आगे निकालेंगे, तो आगे हमें ये भी मिलेगा। आगे देखते हैं तो टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसको पहले आप इसे नोट करिए दोस्तों, फिर मैं देखता हूँ आगे आगे बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ये सेकंड रिजल्ट यहाँ टेन थीटा का निकल जाएगा। इसी तरह साइन के निकाले हम लोग कॉस भी निकाल सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं इसी फॉर्मूला के थ्रू, इसी त्रिभुज के थ्रू आप यहाँ पे मतलब जो रेशियो है उसका वो पुट करके आप इसका निकाल दीजिएगा, क्योंकि मुझे निकालने का कोई फायदा नहीं है, इसका बस फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये छह रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरह सेक थीटा का निकालेंगे तो कॉस सेक 90 माइनस थीटा, और कॉस सेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा आपको आ जाएगा। सेम इसी तरह साइन कॉस 10 कॉट का निकाल देते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा साइन, तो दो चार, ये आपका छह क्वांटिटी हो गया दोस्तों, 1 2 3 4 5। ये आपको एज अ फॉर्मूला यूज करना है हमारे क्वेश्चंस में, और इसको आप स्टार मार्क करके सबको लिख देना, ये आपका फॉर्मूला है। और इसी को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, आपको हम बता दिए यहाँ कि एंगल ए एंगल सी 90 डिग्री। तो बड़े आसान शब्दों में आप समझ गए होंगे दोस्तों कि ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, और इसके बेसिस पर जो हमें रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत अहम महत्वपूर्ण रोल करने वाला है, महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है। तो इसको आप अच्छे से याद करने लर्न करने का, तो इसको आप नोट कीजिए, फिर इसके क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे जो क्वेश्चन है कुछ दिए हुए, उसको हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। तो देखिए बहुत ही आसान है, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो मैंने बताया बस उसी पे बस फॉर्मूला पुट करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए साइन 80 डिग्री अपॉन कॉस 72। अब इसमें क्या करना दोस्तों कि साइन थीटा हम लोग क्या देख रहे थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा आ रहा था, और ऐसा ही रिजल्ट सभी क्वांटिटी के लिए आ रहा, सभी ट्रिगोनोमेट्री के रेशियो के लिए आ रहा था। तो हमें क्या करना है कि साइन को या तो कॉस में बदल देना है, या फिर कॉस को साइन में बदलना है, किसी एक वैल्यू को उसके दूसरे कॉरेस्पॉन्डिंग में चेंज कर देना है। तो उसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे थीटा है कि जहाँ पे क्या है 80 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री, ओके। तो हम लोग फॉर्मूला में क्या जाते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो हम यहाँ से साइन 18 डिग्री लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यानी कि 18 डिग्री। तो हमें क्या मिलेगा, कॉस 72, यानी कि साइन 18 डिग्री को हम कॉस 72 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये इसको लिख दी कॉस 72, और नीचे भी हमारे पास क्या है, कॉस 72, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या आंसर देगा, बोल बस, इसमें और कुछ नहीं करना दोस्तों, बस आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, कॉस 48 माइनस साइन 42। अब सेम कंडीशन यहां भी हमें लगाएंगे, कॉस 48 माइनस साइन
42। यहाँ क्या कर सकते हैं, कॉस को चेंज कर दें साइन में, तो कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 48 माइनस साइन 42 तो पहले से है ही। अब यहाँ से हमें क्या निकल जाएगा, साइन 42 माइनस साइन 42, ये कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या देगा, जीरो। बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं इसका आंसर, आप चुटकी में निकाल सकते हैं। यहाँ कॉसेक 31 माइनस सेक, कॉसेक 31 माइनस सेक 59 सॉरी 59। तो आइए इसको देखते हैं, अब हमें किसी एक को चेंज कर देना है, कॉसेक को क्या देख सकते हैं, सेक 90 माइनस 31 और ये सेक 59। यहाँ से क्या देख सकते हैं, सेक 59 माइनस सेक 59, ये कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या देगा, जीरो। ओके ठीक है दोस्तों, तो आप इसको आराम से नोट कीजिए और मुझे लगता है काफी आसानी से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में मैं लगता हूँ कुछ मिसप्रिंट किया हूँ दोस्तों, इसको सुधार कर देना। यहाँ पे tan 26 अपॉन cot 64 आएगा। ओके तो मैं यहाँ पे माफी चाहूंगा, मैं मिसप्रिंट कर दिया, तो इसको आप निकाल सकते हैं, बस उसको यहाँ tan को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 26 अपॉन cot 64, यहाँ से आ जाएगा cot 64 अपॉन cot 64, यहाँ से कैंसिल आउट होता है। तो इस तरह देखा हो दोस्तों, सारा क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के, बस फॉर्मूला को पुट करना है और इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा वीडियो, और अगर पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।